मैं ना 2 क्लास में थी तो मैंने ना ये ज्वाइन किया था। पहले पहले मैं कहती थी क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत पेन होती है, मैंने नहीं करना। गन्स की टेक्निक, चाकू की टेक्निक, कोई ग्रिप कर ले उसकी टेक्निक, हर किस्म की टेक्निक होती है इसमें। नहीं मारधर वाले नहीं, मैं बहुत मासूम सी थी बचपन में। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त निम्रा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निम्रा कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक। अच्छा निम्रा, आज क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा ज़रा। आज ये जो आजकल आप हालात देख रहे हैं ना, उन पे एक हमने छोटा सा डेमो पेश किया है सेल्फ डिफेंस का लड़कियों के लिए, वो आपको दिखाया आज हमने। अच्छा, ये सारा सेल्फ डिफेंस के हवाले से था। अच्छा, आपको कैसे शौक पैदा हुआ, क्या आपने भी सीखना है? मुझे ना बचपन से था, मैं ना 2 क्लास में थी तो मैंने ना ये ज्वाइन किया था। पहले पहले मैं कहती थी क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत पेन होती है, मैंने नहीं करना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी इसमें ना अचीवमेंट्स आनी शुरू हुई, मुझे देखा मैं, फिर मैंने बाहर के हालात पे गौर किया कि बाहर जो हालात चल रहे हैं लड़कियों के लिए आजकल ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कहा ये तो सीखना ही सीखना है, ये तो लड़कों के लिए बहुत, मतलब किसको किसको कहा था, मामा को कहा था, पापा को कहा था? नहीं, मम्मा पापा ने मुझे कहा था। लग रहा होगा कि हमारी जो बेटी है वो मार धाड़ करने वाली है, तो इसको सब स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाते हैं सर? नहीं मार धाड़ वाले नहीं, मैं बहुत मासूम सी थी बचपन में। तो जब मैं इसमें आई ना तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि बच्चे में एबिलिटी होती है, मतलब कि मुझे शौक पैदा होना शुरू हो गया, इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो फिर मेरे पेरेंट्स कहते कि इसको आगे लेके चलो, तुम अच्छा भी कर रही हो और ये आजकल के एनवायरनमेंट के मुताबिक भी बहुत सही है। क्या लगता है कि हर लड़की को आना चाहिए इसमें, या आपको लगता है कि नहीं, जो सोसाइटी में मूव कर रही है या बाहर जा रही है, सिर्फ उनको ही सीखना चाहिए? नहीं नहीं, सेल्फ डिफेंस हर लड़की को आना चाहिए, घर बैठे बैठी बाहर जाने वाली हर लड़की को। अच्छा, आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या प्लान है? फ्यूचर प्लान मेरा ये, मैंने लॉक करना आगे और इसको सोन कराटे को तो मैंने छोड़ना ही नहीं है ना। अच्छा, इनको नहीं छोड़ना। अच्छा, आपको अभी आप चूंकि ब्राउन बेल्ट होल्डर है, ब्लैक बेल्ट होल्डर आपने होना, उसमें कितना टाइम लगेगा? ये देखिए, जब वैसे तो ये 1 साल लग जाता है, काफ़ी देर, जब उस पर डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी करते हो। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपको प्रॉपर एक चीज़ पता है कि ब्लैक बेल्ट तक होने में क्या क्या आपको सब कुछ आगे कराटे के लिए सब कुछ आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है, तो आप ब्लैक बेल्ट हो जाओगे। ऐसी चीज़ है निम्रा कि आपको लगता है कि वो, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे बॉयज़ भी होते हैं, तो आपको कौन सी एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है कि नहीं आपने करना है, आपने सीखना है ये ट्रिक ये टेक्निक, तो कौन सी एक चीज़ है जो आपको लगती है कि ये तो होनी ही चाहिए हर लड़की में? सेल्फ डिफेंस टेक्निक, जैसे कि बाहर कोई जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं, कोई पकड़ ले आपको, किसी ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियाँ आप गबालों से पकड़ लेती हैं उसकी टेक्निक, लोग गन लेके आ जाते हैं, गन्स की टेक्निक, चाकू की टेक्निक, कोई ग्रिप कर ले उसकी टेक्निक, हर किस्म की टेक्निक होती है इसमें।